बोलते नहीं, आप लोग को जांच पड़ताल करके नहीं आना चाहिए था। आप सुमन पर विश्वास है कि हमको पैसा आप सुमन दिला सकते हैं? उस यहाँ पे जब वीडियो वायरल होगा, नेता मंत्री तक वीडियो जाएगा और बड़े बड़े अधिकारी ये वीडियो देखेंगे तो जरूर जांच बैठेगी। हमको सर बहुत फ्रॉड हुआ है मैडम, हमको पापा जी अभी नहीं है, ये सब बोले थे कि आपको पक्का जॉब लगा देंगे। देखिए यहाँ पे धोखा इतना बड़ा होता है कि नेट पे खुद ही रेटिंग दे दिया जाता है स्टूडेंट के नाम से, और ये भी दिखा दिया जाता है कि उसको नौकरी लग गई है। और देखिए ये सर्टिफिकेट लग रहा है जैसे 10 रुपया में बाहर मार्केट में छपवा दिया गया है। गर्मा गर्मी में पहले आप आए थे, हम तो बस बात कर रहे थे। परमिशन है आपके पास? परमिशन नहीं है सर, लेकिन यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, आपसे बात नहीं हो रही है? हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। नहीं, हमको कैमरा ऑफ है तो क्या, सवाल का जवाब दीजिए ना, कैमरा ऑफ है तो। एक बात बताइए, यहाँ पे ठगी होती है? क्योंकि मेरे साथ हम अकेले नहीं आए हैं, और हम अकेले आए नहीं हैं, हमको स्टूडेंट लेकर के आए। जाइए बात कर लीजिए, जाइए आप बात करिए सर, आप बात कीजिए, जाइए बात कीजिए। पीयूष सर कहाँ है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है यहाँ, फोन लगाइए, थोड़ी है हमारे पास नंबर नहीं है, जाइए। नहीं है तो हम फोन लगाएंगे, अभी थाने में भी जाएंगे। यहाँ पर 25 स्टूडेंट मेरे साथ हैं, आप लोग हैं ना, आप लोग हैं ना, देखिए ये लोग हैं साथ में। अच्छा पीयूष से भी बात करते हैं, हम पीयूष से बात करते हैं। सर यहाँ पे पता है बच्चों के करियर का, फ्यूचर का सवाल है सर, ठगी हुआ है, आप मानते हैं कि नहीं है? इसके लिए प्रशासन अवेलेबल है, आप जाइए प्रशासन। हम भी तो हम काम करने आए हैं ना, में जाइए, आप अपना काम प्रॉपर्टी में आई हैं मैम, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी मत बोलिए, यहाँ पर बच्चे के भविष्य का प्रॉपर्टी, अगर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम आएंगे और बात करेंगे सर। प्राइवेट प्रॉपर्टी तब होती जब यहाँ पे ठगी नहीं होती, यहाँ पे ठगी हुई है बच्चों के साथ। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आप जाइए प्रशासनिक वे में, जाइए प्रशासनिक वे में ही आए सर, अभी हम जाएंगे थाने में, गांधी मैदान थाने में जाकर के जाइए, एकदम बिल्कुल जाइए। अगर गांधी मैदान थाना, अगर गांधी मैदान थाना काम करता ना तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट में मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट को लेकर के। गांधी मैदान थाना सुन नहीं रहा है, एकदम प्रशासनिक वे में जाइए आप। प्रशासनिक सर, सबसे पहले कि हम सिस्टम से काम करते हैं, ठीक है, उतने दिन से हम बैठे हुए थे क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये सारी चीजें हुई है, मुझे अभी से नहीं, एक महीने पहले से ही पता था। आप जाइए, बाकी लोग स्टूडेंट्स हैं साथ में, जाइए। हाँ जाएंगे, अभी आप लोग से पहले बात कर लेना। आप कौन है मैम? आप सर है? नहीं, यहाँ पे पढ़ाते थे, पढ़ाते यहाँ पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं मैम। अच्छा, तो मानते क्या ठगी हुई है बच्चों के साथ? हम क्यों मानेंगे मैम, आपको अगर लगता है इस तरह से आप प्रशासन, मुझे लगता है, आप मुझे लगता है पूरा यहाँ पे सबूत है सर। क्यों काम कर रहे तो आप जानते हैं सर कि यहाँ पे ठगी हुई है बच्चों के साथ? देखिए मुझे कोई पता नहीं, ठीक है, मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश बोल लीजिएगा तो हम चुप हो जाएंगे। इंग्लिश के टीचर उसे क्या है, उससे क्या मतलब है हमको, कहाँ के टीचर है, कहाँ से? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आप मुझे निकाल। आप कौन है? क्या कौन है आपकी, हम आपको आपका नाम क्या है, वर्क करते हैं, नाम वाला डंडा क्या है, नाम वाले डरते क्यों? आप अपना काम कीजिए, बात खत्म। वही तो बोल रहे हैं सर, हम काम करने आए तो आप भगा रहे हैं, ऐसे थोड़े नाम चले जाएंगे। कुछ यूज करते हैं किसी के लिए, ठीक ना, तलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा 6 महीना, अच्छा काम कर देखिए ना, आपको हम बोल रहे हैं सर, जाइए। आप पीयूष को बुलाया जाए, यहाँ के जो डायरेक्टर है पीयूष को बुलाया जाए। अभी हम एम्ब्रोज में है, एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बच्चों के साथ ठगी हुई है, बच्चों के साथ, वो भी एक बच्चों के साथ नहीं ठगी हुई है, एक बच्चों के साथ नहीं ठगी हुई है। बोल तो रहे हैं कि हमारे गार्जियन टाइप के हैं, क्या बोल रहे हैं? उनको गर्मा गर्मी में पहले आप आए थे, हम तो बस बात कर रहे थे स्टूडेंट से, छात्रों से बात कर रहे थे, गर्मा गर्मी में आप पूछे, आप क्या बात है इस इंस्टीट्यूट में? हालांकि आपकी गलती नहीं है, हालांकि आपकी गलती नहीं है, लेकिन जो इस इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ हुआ है, स्टूडेंट के साथ हुआ है, उस चीज को लेकर के हम आए हैं। कुछ पूछोगे? क्या पूछे, यहाँ पर रोज मीडिया वाले आ रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट के साथ क्या हुआ, और ठगने वाला ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल कैसे रहा है ये बताइए। तो रहा हूँ मैम कि आप जाइए प्रशासनिक वे में, हम तो जा ही रहे हैं, और उस चीज का भी वेट कीजिए, उस चीज का भी वेट कीजिए। आइए जरा देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंटीरियर कितना बढ़िया दिया गया, पूरा एरोप्लेन का जो है ना डिजाइन बनाया गया है यहाँ पे, मतलब लोगों को चकाचौंध दिखाया जाता है,
अट्रैक्ट हो स्टूडेंट, ये दिखाया जाता है। और जब यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले करके उनको दिल्ली में छोड़ के भाग जाया जाता है। यहाँ पे क्लासेस हुई थी, आप लोग सब लोग है ना? जी मैम, क्लासेस होती है, क्लास होती है। देखिए हम सच बता रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं करने के लिए आए हैं। आज मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है जो आप लोगों को जानकारी, आप लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो सकता है। देखिए मेरे साथ ये लड़की, आपके साथ क्या क्या हुआ है ये बताइए। मैम हमको साथ बहुत फ्रॉड हुआ है मैडम, हमको पापा जी अभी नहीं है, ऐसे बोले थे कि आपको पक्का जॉब लगा देंगे 1,12,000 पीयूष पांडे के हम दिए, ऐसे हमको दिल्ली लेके चले गए, हमको बाहर ही अभी नहीं था यहाँ क्लास करने के, हम रोज ट्रेन से लगते, कभी हमको धक्का लग जाता था, कभी ट्रेन से कूद जाते, कभी ढकेल ढकेल, बहुत मुसीबत से यहाँ क्लास किए। उसके बाद हमको पैसा नहीं था तो पीयूष सर काची बोले कि ओएनआईसी पर साइन करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो हम बोले कि सर हमको अभी पैसा नहीं है जे, तो बोले कि आपको दिल्ली नहीं जाएंगे, हम बोले क्यों नहीं दिल्ली जाएंगे, तो बोले कि ओएनआईसी पर साइन कर लो बिना दिल्ली नहीं जाएंगे। हमको पास पैसा नहीं था, हमको 3 दिन क्लास यहाँ बंद कर दिए गए थे कि आप पैसा नहीं देंगे तो क्लास नहीं आएगी। उसको बाद मम्मी से हम लड़ के हम 10,000 रुपये दिए, उसको बाद यहाँ से दिल्ली लेके गए, दिल्ली ले जाके 1 महीना पीजी में छोड़ दिए, यहाँ से बोल के गए थे कि आपको 20 दिन में पक्का आपको जॉब दे देंगे। हम इसी पर गए, जब वहाँ गए 10 दिन के बाद फोन करते हैं तो सर फोन नहीं उठाते थे, मैसेज करते थे पीयूष पांडे, हाँ पीयूष पांडे थे, मैसेज रात भर हम कभी गलती से एक भी मैसेज करते करते कभी रिप्लाई दिए। उसको बाद बोले कि निर्मला आप 22,000 देगी ना तो आपका इंटरव्यू करा देंगे, सर हम बोले सर मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है, तो बोले कि आपको पेरेंट्स जाने, हम मम्मी से लड़ लड़ के बोले कि मम्मी हमको कैसे 22,000 दो, हमको विश्वास है कि यहाँ पर हमको दिल्ली में जॉब मिल जाएगा, हमको मम्मी किसी से अगल बगल में कर्जा लेके आप मैडम दिए, उसको बाद 22,000 हमको मम्मी पीयूष पांडे के दे दिए। उसको बाद फोन किए बोले कि सर मेरा मम्मी तो पैसा दे दिए, मेरा इंटरव्यू कराइए, तो पीयूष पांडे क्या बोले कि आपको डीडी नहीं बना, आपको इंटरव्यू नहीं होगा। उसको बाद लेने के बाद पीयूष बोला, बाहर लेने के बाद मैडम मेरा मोबाइल पर सारा मैसेज भी है, कैसे कैसे मैसेज किए, बोले कि फिर मैसेज करके बोले कि आप कैमरे फैशन में इंटरव्यू देने जाएगी, तो हम बोले हाँ। जैसे कैमरे फैशन में गए मैडम, हमको धक्का लग गया, देखिए एक गिट्टी गारल था मैडम, पैर छट गया था, एक भी पीयूष पांडे फोन नहीं उठाए थे। देखिए जॉब हमको दे दिए, देखिए मैडम कितने महीने का कोर्स था, इसमें 6 मंथ का कोर्स था मैडम, 6 महीने का, कितने महीने में वो कंप्लीट करवा दिया, जनवरी आ जाएगा तो हमको साल लग जाएगा मैडम, मेरा धक्का उक्का लगा, हाथ टूट गया था इसलिए हम क्लास, निर्मला कुमारी नाम है ना? जी जी। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा धोखा होता है, पटना में गांधी मैदान में हम है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ पे ऐसा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। देखिए ये लड़की का नाम निर्मला कुमारी है, और ये देखिए रेटिंग भी दे दिया गया है, 5 रेटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से रेटिंग मिला है, और इसमें लिखा हुआ है कि निर्मला को जॉब मिल गया है, और कौन सा जॉब मिला ये भी जरा दिखा देते हैं आपको, ग्राउंड स्टाफ में जॉब मिल गया। देखिए कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी हो रही है इस इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे इतने मासूम बच्चे जो बैठे हुए, इन लोगों को नहीं पता है कि 1 साल बाद और 6 महीने बाद इन लोगों के साथ पीयूष पांडे क्या करेगा। ये लोग सभी लोग FIR किए हुए हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान थाना सुन नहीं रहे, इसीलिए हम आए हुए हैं इंस्टीट्यूट में। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये इन लोगों के भविष्य की बात है, इन लोगों के करियर की बात है। यहाँ पे शिक्षक भी है, देखिए इसी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाते भी थे और ये भी हमारे साथ है। देखिए हम यही बोलना चाहेंगे, हम 6 महीने यहाँ पढ़ाए हैं, दिस कंपनी इज कंप्लीट अ फ्रॉड कंपनी, सारे बच्चों को लूटा जा रहा है, ये लोग साइकोलॉजिकली खेलता है, देखिए ये गेम खेलता है, केक काटता है, बैलून उड़ाता है, बच्चे को गुमराह करता है, बच्चे साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेता है, बच्चे लोग खुश होते हैं, यही यहाँ डांस होता है, और 6 महीने के बाद डांस वाले को पूछे क्या करता है, ये लोग थूक रहा है मुँह पे, कह रहा है कि लात खाना चाहिए, फलाना खाना चाहिए, भागे हुए रहते हैं, अभी नहीं पता है कि इन लोगों के साथ 6 महीने में क्या होने वाला है। 6 महीने में इन लोगों को दिल्ली मीडिया के भी गलत दिए हैं मैडम, हम ना पैसा लुटाएंगे तो क्या करेंगे, हम मरी रह जाएंगे मैडम, क्या हम करेंगे, मेरे पास मम्मी के पास रोज कर्जा बुला रहा है, हमको मम्मी के पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें मैडम मरी नहीं के चरा मर ही जाएंगे ना मैडम, जर खा के मरेंगे, हमको अब कोई रास्ता नहीं मैडम, आप सुमन पर विश्वास है कि हमको पैसा आप सुमन दिला सकते हैं, उसी विश्वास के जरिए हम अटके हुए, नहीं पैसे देंगे तो हम जहर करके इनको साथ हम लिख के मार लिख देंगे कि पीयूष पांडे के चलते इसके कारण हम जहर मैडम हम नहीं जी पाएंगे, इसमें गलत है भी है मैडम।
देखिए ये चीज हम दिखाते हैं, ये देखिए एम्ब्रोस का सर्टिफिकेट दिया गया है, और देखिए ये सर्टिफिकेट ही फ्रॉड है दोस्तों, फ्रॉड है। एविएशन का स्पेलिंग देखिए तो थोड़ा सा क्या है, एविएशन का स्पेलिंग क्या होता है, देखिए ना खुद दिखाइए नजारा, छोड़ दो खुद है वो, देख रही है। और नहीं हमको मम्मी हमको सारा पैसा दिए थे, दसवां में फाटी भी जलाए थे उसको पैसा मिला था, इंटर में लिया एकदम 25,000 उसको हमको मिला था, हमको सरकार को पैसा, टेंथ पास होते तो पैसा मिलता है ना मैडम, स्कॉलरशिप का पैसा सारा मेरा पैसा था, और मम्मी दिए थे कुछ टोला पर से मांग के दिए थे मैडम, उतना पैसा दिया मेरा पापा जी अभी नहीं है। ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन करवाए थे सब गरीब के बच्चे थे, गरीब। और देखिए ये सर्टिफिकेट लग रहा है जैसे 10 रुपया में बाहर मार्केट में छपवा दिया गया है, स्पेलिंग कैसे गलत है, हर चीज यहाँ पे फ्रॉड होता है, लेकिन फिर भी बच्चे एडमिशन कैसे ले ले रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। एविएशन, हाँ पहले थे एविएशन, हमने क्या कर रहे हो सर्टिफिकेट, ऐसा लगता है कि पीयूष पांडे लगता है पढ़े लिखे नहीं है, जितने भी बच्चे हैं जितने भी टीचर हैं यहाँ पे सब अनपढ़ बैठे हुए, ये स्पेलिंग की मिस्टेक कैसे हो रही है भैया, ये सर्टिफिकेट में भी, सर्टिफिकेट में आप लोग भी है ना, हाँ वैकेंसी देखिए क्या क्या, देखिए एड्रेस, देखिए एड्रेस मैम, एम्ब्रोस कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना बिहार दिल्ली, 3 महीने में 100% ज्वाइनिंग, अच्छा 3 महीने में ज्वाइनिंग दिया जाएगा और गारंटी के साथ, खंड उत्तर प्रदेश दिल्ली, क्या करना चाहिए इस इंस्टीट्यूट के साथ मुझे ये बताइए, सारे स्टूडेंट्स से जितना पैसा लिए हैं वो सारे पैसा रिटर्न होना चाहिए, और जी इंस्टीट्यूट बंद होना चाहिए, ठगी किया जा रहा है आप लोगों के साथ बहुत बड़ा मैम, देखिए ना मैम बात बताइए, इसमें आप लोग की गलती नहीं, आप लोग को जांच पड़ताल करके नहीं आना चाहिए था ना मैम, हम लोग इंस्टीट्यूट के नाम पे आए थे ना कि ट्रेनिंग होके जॉब यहाँ मिलती है, थोड़े ना डायरेक्ट हम पैसा दे के आए थे कि हमको जॉब लेना है, घूस दे रहे हैं, में भी लिखा हुआ है 100% प्लेसमेंट, देखिए एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, 3 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उसी के लिए आए हुए हैं, हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है, पढ़ाई के दौरान ही एयरपोर्ट में होता होगा जॉब, ये आप लोग को ट्रेनिंग वगैरह दिया, ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे चलता है मैम, ये ट्रेनिंग का क्लासरूम है ये मैम, दिया गया जी मैम, मतलब यहाँ पे इंटीरियर देखिए ना कितना चकाचौंध, 6 महीना के डिप्लोमा को इन लोग 3 महीना में करवाए हैं मैम, 6 महीना का डिप्लोमा को 3 महीना में करवाए, अच्छे 6 लाख रुपया हम दोनों भाई से लिए हैं, और ना कि स्लिप दे रहे हैं ना फी स्ट्रक्चर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये स्लिप नहीं है जो आप पैसा दिए थे, वो आजकल करते रहे कि कल देंगे, आज नहीं है, रिसीविंग नहीं है, ये नहीं है, अब नहीं दिए, वो गांधी मैदान थाने में FIR किए हैं जी मैम, किए हैं अभी, क्या हुआ है, 1.5 महीना से दौड़ रहे हैं, कल वो FIR नंबर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा कि FIR नंबर 804 वो भी जाकर हमको लेना पड़ेगा वहाँ से, ₹100 का मैम हमको स्लिप दिया गया मैम, बोला कि ₹5,000 तुम्हारा DD बनेगा और ₹5,000 पटना एयरपोर्ट में तुम्हारा सो सीट फिक्स होगा, सो उसका दिया जाएगा मैम, 15,000 दिया मैम हमको, 10,000 का मैम 2 बार स्लिप दिया गया मैम, देखिए यहाँ पे धोखा इतना बड़ा होता है कि नेट पे खुद ही रेटिंग दे दिया जाता है स्टूडेंट के नाम से, और ये भी दिखा दिया जाता है कि उसको नौकरी लग गई है, ये भी इतना बड़ा धोखा मैम, ये बोल रहे हैं कि पहला दिन होगा जेल, फिर होगा बेल, तो मैंने डायलॉग है इनका पीयूष पांडे का कि सब कुछ समझ लेंगे, सारा कुछ थाना प्रशासन मीडिया सब को हम समझ लेंगे, ऐसे करते हैं कि इन लोगों को हम तो ऐसे देख लेंगे, पुलिस को देख लेंगे, मीडिया को देख लेंगे, क्या है पीयूष पांडे बहुत अमीर आदमी, ये 26 साल का लड़का है, नौजवान लड़का, पैसा वाला है क्या, सबको खड़ी, बहुत पैसा वाला, 2 करोड़ पैसा नहीं उसके पास, करोड़ों रुपए बच्चे का लूटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि अमीर तो होना ही है, यहाँ पे जब वीडियो वायरल होगा, नेता मंत्री तक वीडियो जाएगा और बड़े बड़े अधिकारी ये वीडियो देखेंगे तो जरूर जांच बैठेगी और गांधी मैदान थाना को कंप्लेन लेना पड़ेगा, FIR लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और पीयूष पांडे को अरेस्ट करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं सब लोग यही कहते हैं कि इस तरह का धोखाधड़ी पटना बिहार में नहीं चलने वाला है, वो भी बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, कितना ख्वाब लेके, कितना सपना लेके इस इंस्टीट्यूट में आए थे, लेकिन क्या हुआ इन लोगों के साथ, देखिए 100% सब जगह 100% का, देखिए प्लेसमेंट का वादा करके धोखा दिया जाता है दोस्तों, है मिलता है जॉब नहीं पता, मैं तो अभी यहां पे 2 महीने से आई हूं ना, मुझे क्या पता है, देखिए हम आज आप लोगों के पास इसीलिए आए हैं और ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग अभी भी अवेयर नहीं होइएगा तो फिर हम आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, फिर आप लोग भी धोखा खा के आएंगे मैडम हमारे साथ एम्ब्रोस ऐसा ऐसा किया, तो फिर ऐसे ही आप लोग भी ग्रुप बना के आएगा, अगर आँख खोलना है तो अभी खोल लीजिए, बाद में हम लोग मदद नहीं करेंगे, आप लोग भी कर सकती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लेम करिए कि ये फेक है, क्लेम नहीं है, पूरा प्रूफ है, पूरा प्रूफ हमारे
साथ स्टूडेंट है, ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम लोग को। ये बोला नहीं जा रहा कि फेक है या फिर कुछ स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जैसे एक एयर टू का बच्चा आता था ना, हमारे के आने से पहले सारा चीज बता देते थे कि कोई भी आया तो यहाँ पर ही बोलना कि यहाँ पर 100% जॉब मिल जाता है। कोई भी आने से पहले हमारे के पीयूष पांडे हमारे के सिखा देता था पूरा बच्चा। आपको ये पता है कि इनके नाम से ऑनलाइन नेट पे ये इनके नाम से रेटिंग भी दिया गया और ये कहा गया है कि इनको जॉब मिल गई है और लड़की यहाँ पे खड़ी है। दिखाएं आपको, पकड़िए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बाकी मैं आप लोग, अरे लिस्ट में हम आपको दिखाते हैं ना, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, लड़की यहाँ पे है मैडम, यहाँ पे प्लेसमेंट, खाली प्लेसमेंट, यहाँ प्लेसमेंट हो गया है लेकिन लड़की यहाँ पे खड़ी है, लड़का यहाँ खड़ा है, प्लेसमेंट हो गया। आप लोग देखिएगा ना, तो इन लोग का नाम है कि जॉब मिल गया, बहुत खुश है, रेटिंग भी 5 रेटिंग। आप लोग पीयूष सर से बात कीजिए, मैम कुछ है ही नहीं, पीयूष भाग जाते हैं, हम लोग को पता नहीं है। डायरेक्टर साहब रोज है, यहाँ आना चाहिए ना, आप सवाल के सवाल में सबका जॉब करवाएंगे। देखिए उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी, अब ये सही है या गलत है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी अभी हम, अभी हम गांधी मैदान, निकलिए निकलिए, अभी हम गांधी मैदान थाने में जाएंगे। आप लोग की मर्जी है, आप लोग की मर्जी है, चलिए निकलिए। चलिए चलिए, हाँ तो ठीक है, वो लोग को नहीं पता है ना। दिखाइए पहले ये सारी चीजें दिखाइए, एम्ब्रोस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग फ्लाइंग हाई, सपना बहुत बड़ा बड़ा दिखाया जाता है लेकिन कुछ नहीं होने वाला है भैया। यहाँ पे देखिए इंटीरियर बहुत बढ़िया से, पूरा प्लेन का इंटीरियर बना हुआ है, पूरा ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे प्लेन ही है, ये एरोप्लेन ही लग रहा है, सपना साकार हो जाएगा ऐसा देख के लग रहा है। झूठ ना बोलते हैं फिर आप टीचर बने में, झूठ बोलेंगे। चलिए आइए बाहर, पूरा ले लीजिए इंस्टीट्यूट को, पूरा दिखाइए अंदर से, दिखाइए। नहीं यहाँ पे इंटीरियर देखिए, देख के लग रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे प्लेसमेंट तो मिलने वाला है। और दूसरी बात ये भी बोल दे कि पता नहीं ये एक बिल्डिंग है और रेंट पता नहीं कितना लगता होगा, बिल्डिंग में ऐसे लिया हुआ है पूरी तरह से, इंटीरियर पूरा एकदम बढ़िया सजा दिया गया, धजा दिया गया, एरोप्लेन लगा दिया गया कि बच्चे आए और वो अट्रैक्ट हो जाए, उनको लगा लगे कि नहीं भैया मेरा सपना तो यहीं पे पूरा होने वाला है एम्ब्रोस में। लेकिन एम्ब्रोस इतना बड़ा धोखा करता है कि यहाँ पे बच्चे को भी नहीं पता है, यहाँ पे स्टूडेंट को भी नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट है, पुराने वाले तो अपना जो धोखा खाए हैं वो तो बख ही रहे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, भांडा फोड़ ही रहे हैं। तो ऐसा बिहार में और पटना में नहीं चलेगा। पीयूष पांडे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें बंद कीजिए, क्योंकि आपकी पहुँच भले कितनी भी हो लेकिन मीडिया में और जो सिस्टम और संविधान में ताकत बहुत है।